ममता को मोदी का बड़ा झटका, टीएमसी के दो विधायकों और 50 पार्षदों ने बदला पाला, भाजपा में हुए शामिल। कहते हैं चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है और डूबती हुई नाव पर कोई सवार नहीं होना चाहता। पश्चिम बंगाल में भाजपा टीएमसी के बीच तनाव और हिंसा के बीच संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद ममता के गढ़ में एक बार फिर से सेंधमारी हुई है। टीएमसी के 3 विधायक और 50 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। टीएमसी के कई पार्षदों और 3 विधायकों ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ली। इनमें सबसे बड़ा नाम है टीएमसी छोड़ भाजपा में आए बड़े नेता मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय। मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय अपने पिता के साथ भाजपा हेडक्वार्टर पहुंचे, यहां उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। शुभ्रांशु रॉय के अलावा टीएमसी विधायक तुषार क्रांति भट्टाचार्य और सीपीएम विधायक देवेंद्र रॉय भी भाजपा में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनावों में ममता दीदी पूरी तरह गुंडागर्दी और हिंसा पर उतर आई। ममता बंगाल में तानाशाह के रूप में नजर आई। उसने पीएम मोदी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें थप्पड़ मारने तक की बात कह दी। हिटलर दीदी इन लोकसभा चुनावों में बैंडिट क्वीन बनने चली थी, मगर लोगों ने उन्हें डिफाल्टर घोषित करके उसकी औकात दिखा दी। इसके अलावा टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और उनमें से कई बीजेपी नेताओं की हत्या भी कर दी गई। ममता के इसी आचार व्यवहार और पार्टी की गुंडागर्दी को देखते हुए उसके कई कार्यकर्ता नाराज होकर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं का मानना है कि ममता बनर्जी खुद तो डूब रही हैं, उन्हें भी ले डूबेंगी। इससे बेहतर होगा कि वह अपनी नाव बदल लें। बता दें इससे पहले कल दिल्ली पहुंचे टीएमसी के पार्षदों में शामिल गरीफा के वार्ड 6 की टीएमसी पार्षद रूबी चटर्जी ने दावा किया कि उनके साथ कई पार्षद दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 20 पार्षद आए हुए हैं, हम ममता जी से नाराज नहीं हैं, लेकिन बंगाल में बीजेपी की हालिया जीत से प्रभावित होकर हम पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं।